तुलसी की माँ ने कचड़ी के केस को प्रीपोन कर दिया है माँ। ये हे प्रभु, उन्होंने कोर्ट में प्रूफ कर दिया कि हम गुनगुन का ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए जल्द से जल्द हमें गुनगुन को उनके पास छोड़ना होगा। पता नहीं ये माँ को भी क्या हो गया है, गुनगुन अपने पापा और अपने फैमिली के साथ खुश नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी। मुझे नहीं जाना है। कोई कहीं नहीं ले जा रहा बेटा तुम्हें। नहीं, चुप चुप। ये जरूर इस दामिनी का काम है, इसी ने ये आग लगाई है। राधा प्लीज कुछ करो। मोहन जी देखिए, आपकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आप तो जानते ना शादी में कितनी भागदौड़ है, आप कैसे कर पाएंगे? आप अभी के लिए रह राधा, मेरी लाइफ में ना मेरी बेटी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, मेरी तबीयत भी नहीं। तुम बहुत सीधी हो, तुम्हें नहीं पता कि कोर्ट में केस जीतने के लिए लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान, अपनी डिग्निटी, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मुझे ये तक नहीं मालूम कि केस जीतने के लिए तुलसी की माँ और वो लॉयर मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाएंगे। इसलिए जल्दी कर लेते हैं ना ये शादी। कौन है, कौन है, किसने लाइट बंद किया? बोलो। कौन हो आप? मैं हूँ दामिनी मैडम। आपका इंतजार कर रहा था। आइए आइए। समझते क्या हो तुम अपने आप को? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? और अगर मैं नहीं आती तो क्या कर लेते? मैडम जी, सही है, मैंने क्या क्या नहीं किया आपके लिए और क्या क्या कर सकता हूँ, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए था, मेरे साथ इतना सब कुछ होते हुए भी मैंने मुंह नहीं खोला। आपकी करतूतों की तो पूरी की पूरी किताब है मेरे पास। अरे क्या क्या नहीं किया था मैंने आपके लिए। उस राधा को मैंने जंगल से उठाकर अपनी जान भी खेलकर मैंने उसे दफनाया था। अरे उस बस में भी बॉम्ब लगाया मैंने। क्या क्या नहीं किया ना जाने, ऐसे कितने काम बिना टेंशन बिना रिस्क के मैंने किया। मुझे टेंशन हुई तो आप किसे के लिए, मुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़कर? बहुत हो गया, अब आपका काम करना बंद, मेरा पैसा दो, मुझे चलता करो। मैडम जी बोलिए बोलिए, आप कब दे रही हो मेरा पैसा? बोलती क्यों नहीं आप? अच्छा, मतलब आप मेरा पैसा नहीं देंगी, अब गुंडे से गुंडागर्दी करोगी। बहुत बढ़िया, अच्छा है, मैं तो मेरा पैसा लेकर ही रहूंगा। ये पैसा आप दो या ना दो, अब तो कोई और देगा। आप ना सही, कोई और सही। आप जिसके लिए ये सब कर रही थी ना, मैं उससे डील करूंगा, मोहन त्रिवेदी। वो मुझे पैसे देगा और मैं आपका नाम। ले जाइए इसे। बता दो, रुकिए। बता दो। Thank you.
ये सब मैंने इनके कहने पे किया था। इन्होंने कहा था करने के लिए सब। दामिनी अपना घर स्वर्ग से कम नहीं होता है ना, लेकिन इसी घर को स्वर्ग बनाती है वो औरत जो कभी पत्नी तो कभी माँ, कभी बेटी या तो कभी बहन के रूप में अपने पूरे परिवार को एक पौधे की तरह सींचती है। बिल्कुल उसी तरह दुआ जी जी ने भी अपने प्यार से अख्तर मंजिल को एक जन्नत का रूप दिया है, लेकिन पता नहीं दुआ जी जी के इस जन्नत को ना किसी की नजर लग गई है जो हैदर जी दूसरी शादी करना चाहते। अगर ये बाहर वाले इंसान ने तुम्हारे राहुल, केकी या वो राधा का नाम लिया होता तो तुम क्या इतनी आसानी से भरोसा कर लेते उस पर? नहीं ना, हमें पता है कद्दू, तुम्हें पहले से ही हमारी बिटिया पर भरोसा है ही नहीं, तुम उसे प्यार करती ही नहीं हो। बस मौसी, ऐसे आंसू बहाने से आपकी बेटी का क्राइम नहीं छुप जाएगा। दामिनी नहीं, इनके कहने पे मैंने बस में बॉम्ब लगाया था, इन्होंने पैसे दिए थे। ये नहीं, कादंबरी देवी। इन्हीं के कहने पे सब किया था। कुछ भी मरने का तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ का याद आ गया मुझे। ये भाई साहब, इन्होंने मुझे बुलाया था, चाट खाने के लिए बुलाया था, गोल चौक वाले चौराहे पे। और बोलो बोलो, दो दो पलट खा गया, मैंने पूरी खा गया। और चाहिए जट, क्या कर रहा है सब? मोहन, ये इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये क्या हो रहा है इसे? अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। तुम्हें सबको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो, समझे? लेकिन अब आपने हमारी गुनगुन को मारने की धमकी दी हमें, गुनगुन की माँ को। और माँ के सामने बच्चों को मारने की धमकी नहीं दिया करते। अब अगर गलती से भी आपने कभी अपने सपने में भी गुनगुन को हाथ लगाने के बारे में सोचा ना, और बाकी बिहार जी की कसम, थप्पड़ नहीं मार ही डालेंगे आपको।
अब अगर सूरज पश्चिम से भी उग जाए तब भी हम आपकी मोहन जी के साथ शादी नहीं होने देंगे। राधा तुम्हें तो मैं और इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूं राधा। जैसे किसने हमारा हाथ पकड़ा। मैं हूं राधा तुलसी। वो बहुत ही अलग सा स्पर्श था जिसमें प्रेम था ममता थी। ओह नो, तुलसी राधा को अपने होने का एहसास दिला रही है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। आज मैं तुझे राधा का काम बिगाड़ने नहीं दूंगी दामिनी। क्या कर रही है बिटिया? आप माँ है ना दामिनी जी की? पापा काम क्या है? अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए तो उन्हें सही रास्ते पर ले आना। आपने क्या किया? आपने तो खुद जानबूझ के दामिनी जी को इस पाप के रास्ते में ढकेल लिया। गुनगुन की जान को खतरे में डाल दिया। उन 20 बच्चों की जान को खतरे में डाल दिया। आपको तो दामिनी जी को रोकना चाहिए था। और आपने क्या किया? आप उनका साथ देने लगी। आपको शर्म नहीं आती? सी बिटिया, वो बस अब और कुछ नहीं बोलना। नहीं तो समझ लीजिए, अगर आपने कुछ और बोला ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमसे बड़ी। पा रहा था, आज तो तुमने सच में दुर्गा माँ का रूप ले लिया। अब जाओ, जाकर जल्दी से मोहन को सब कुछ बता दो। ये भूतनी आज हमारी बिटिया को मार डालेगी। राम 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 राम। ए खोल दरवाजा। तुलसी, अरे तुलसी, तुलसी जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। राधा के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर वो मेरे मोहन को मुझसे छीनना चाहती तो तुम ही बताओ मैं क्या करती। तुम्हारा मोहन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता दामिनी। तुलसी प्लीज मुझे मत मारो। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूँ मैं। तुमने मेरी गुनगुन की जान लेने की कोशिश की, उन सारे मासूम बच्चों को मारने की कोशिश की, तुमने मुझे लेकिन मौत तुम्हारे लिए सबसे छोटी सजा होगी दामिनी। तुम्हारे लिए बड़ी सजा तो यह है कि मोहन के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाए।
उसे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता चल जाए और फिर उसके बाद जब मोहन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा ना, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। दरवाजा खोलो। क्या हुआ मासी, अब दरवाजा क्यों पीट रही है? वो अरे बेटा, अब हम क्या बताएं, वो जो ढाई फुट टूटल है ना, अरे राधा, वो हमारी बिटिया को धमका कर गई है कि वो उसका और मोहन का रिश्ता तोड़वा कर रहेगी, तो हमारी बिटिया ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है। तुमने मोहन से गुनगुन को छीनने की कोशिश की ना, अब मोहन ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। राधा ने मोहन को अब तक पूरा सच बता दिया होगा, अब वक्त आ गया है दामिनी तुम्हारे पिछले और अब तक के सारे पापों का हिसाब चुकाने का। एक काम कर बेटा, जाके पहले राधा को रोक, वो मोहन को कोई पट्टी पढ़ाएगी ना तो कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम आ जाएगी। जा जा जा। पट्टी? कौन सी पट्टी? अरे जब मोहन अस्पताल में था तब हमने राधा के साथ जो किया था ना, हो सकता है शायद वो उसका बदला लेना चाहती हो। पता देगी वो मोहन को, पट्टी पढ़ा देगी कि तुमने राधा के साथ झगड़ा किया था। आई बात समझ में? हाँ, मुझे उसे रोकना होगा। अगर उस गवार राधा ने जाके मोहन भैया को ये बता दिया ना कि मैंने उस पर हाथ उठाया था, तो मोहन भैया तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। वही तो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मोहन जी, हमें आपसे कुछ कहना है। एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है आपको। हमें पता है कि ये बात सुनने के बाद आपको बहुत दर्द पहुंच सकता है, शायद आपका दिल भी टूट जाए, पर हमारी गुनगुन के लिए आपका ये सच जानना बहुत जरूरी है। मोहन जी, आज तक इस घर में जो कुछ भी बुरा होते हुए आया ना, चाहे हमारे साथ हो, गुनगुन के साथ हो या आप ही के साथ क्यों ना हो, आप सोच भी नहीं सकते वो किसकी वजह से है। वो जंगल वाला किस्सा, हमारा अगवा हो जाने, वो अखबार वाला किस्सा, हृदय जी का घर में आ जाना, गुनगुन का बोरवेल में गिर जाना, गुनगुन का आग में फंस जाना, बस में बम का होना, ये सारी चीजें किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दामिनी जीजी की वजह से। हम जानते हैं कि इस वक्त अब गुनगुन के वो कोरटे वाले केस की वजह से काफी परेशान है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप किसी गलत इंसान से शादी करके अपना और गुनगुन का जीवन ही नष्ट करते। मोहन जी बोलिए ना कुछ, हम नफरत भी उन्हीं से करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, और आप तुलसी जी से बहुत प्रेम करते हैं। आस उन्हीं का प्रमाण है। राधा तुम टाइम वेस्ट मत करो, जो बात कहने आई हो प्लीज जल्दी कह दो। मोहन की शक्ल से तो नहीं लग रहा कि उसने उसे सब कुछ बताया है, वरना अब तक तो घर में पूरा तांडव हो गया होता। क्या वो मोहन जी अब ठीक तो है? नहीं राधा, मैं ठीक नहीं हूँ। लगता है बता दिया। अरे नहीं बताया, अगर बता दिया होता ना अभी तक तो मोहन भैया ने मार मार के मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया होता। मैं तुलसी को बहुत मिस कर हो गया। जब मैं हॉस्पिटल में मरने वाला था तब ऐसा लगा जैसे मैं तुलसी से मिला।
कि मोहन भैया वो क्या हो गए, इनका दिमाग हिल गया क्या? अब ये भूतों से भी बातें करने लग गए, पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। इस घर में वो क्या पता, इस घर में भूतनी है जो वक्त आने पर हमारी धुलाई और कुटाई भी करती है। मेरे सामने खड़ी थी वो, मैं उसे देख सकता था, उसे छू सकता था, उसका हाथ पकड़ सकता था। और कुछ कहना चाह रही थी मुझसे वो? यही मोहन, कि राधा तुमसे बहुत प्यार करती है। आप तुलसी जी से इतना प्रेम करते हैं तो धामनी जी से शादी मत करिए। क्या बोल रही हो तुम राधा? मोहन जी, प्रेम किसी चिड़िया का नाम तो नहीं जो किसी के कंधे पर बैठती उसे प्रेम हो जाए। प्रेम तो एक एहसास है जिसकी खुशी आंखों में चमकती है, और इसलिए हम जानते कि आपने कभी भी दामिनी जी से प्रेम नहीं किया। काम करती है राधा, बेहोश होकर सो गई।
सॉरी राधा, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। जैसे तुम गुनगुन और मेरी हर बात को सुनती हो, आज अगर हम सब सुकून से सो पाते हैं ना, तो बस तुम्हारी वजह से। तुमने टूटे हुए बाप बेटी के रिश्ते को जो आकर जोड़ा है ना, उसके लिए जिंदगी भर मैं तुम्हारा शुक्रमंद रहूंगा। वैसे तो देखा जाए तो हमारे बीच कोई रिश्ता तो है नहीं, और शायद हो भी नहीं सकता। और तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो, और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। गुड नाइट। भाई गुड नाइट। की तरह सोती है, हो भी क्यों, दिन भर बच्चों की तरह एक टांग पर नाच कर सकता ख्याल जो रखती है। मोहन, ये मोह के धागे अच्छे तो होते हैं पर कभी कभी बहुत कष्ट देते हैं। ये दो लोगों को जिंदगी में एक डोर से बांधते हैं और कभी कभी उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तुम्हें आगे बढ़ना है मोहन। माँ पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। माँ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं हो रहा। राधा उठो, राधा उठो ना, राधा उठो। मोहन ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? मोहन, तुम्हें पुरानी यादों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तुम्हें तुलसी को भुलाना होगा बेटा। ये नामुमकिन है माँ। नहीं, आज दामिनी से मेरी शादी है, लेकिन मन तो कर रहा है जैसे मैं शादी ना करूं। राधा मोहन का रिश्ता जरूर जुड़ेगा, लेकिन मेरी लाश पहले। मोहन त्रिवेदी, जिन पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। क्या मोहन त्रिवेदी इस बार जेल से बच पाएंगे? मोहन, तुलसी को भुलाकर ना सही, गुनगुन को याद करके आगे बढ़ो प्लीज। गुनगुन को एक माँ की जरूरत है। ओह माय गॉड, कितनी डीप स्लीप में सो रही है ये। गहरी नींद में कुछ सोता भी है क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ, औरत की पूजा और कंकनदुरा की रस्म करनी है। लगता है राधा थक गई है, इसलिए इतना सो रही है। कोई बात नहीं राधा, अच्छे से सो। हमारे पापा राधा से बात कर लेना, उन्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी और उसके बाद राधा को तुम्हारी माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता। जाने दो ना पापा को अंदर गुनगुन। राधा, राधा, ये वो सो रही है। राधा सो रही मतलब अभी तक सो रही है? उठा उसे,
अरे मुर्गिया जो है वो कुकड़ू करके सो गई और ये अभी तक सो रही है। गुनगुन जाओ। गुनगुन गुनगुन अरे यार तुमने क्या खाकर पैदा किया था इसकी मां नहीं सकी। राधव राधव राधा तो मोहन की एक आवाज से उठ जाती है तो फिर आज क्यों नहीं उठ रही है? कहीं राधा को कुछ नहीं? राधा राधा ये राधा इतनी देर तक कैसे सो रही है? इसे इतनी देर तक सोते हुए मैंने कभी नहीं देखा और इतनी देर में इसने करवट तक नहीं ली। इसे जरूर कुछ हुआ है। राधा राधा आंखें खोलो ना, क्या हुआ है तुम्हें? आंखें क्यों नहीं खोल रही है? राधा तुम उठो ना प्लीज। राधा राधा देखो ना गुनगुन कैसे बिहेव कर रही है, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी डॉन। अब जाओ अपनी दामनी के पास, मुझे आपसे बात नहीं करनी। गुनगुन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? पापा कुछ कह रहे, देखो राधा को कुछ हुआ, ऐसा मत करो, दरवाजा खोलो। राधा ठीक है, नहीं आ रहा हूँ मैं, अंदर जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं मोहन, गुनगुन पापा सच में चले जाएंगे, प्लीज दरवाजा खोलो। तुम जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, अनाउंस क्या कर रहे हो? गुनगुन क्या करूं, अगर मैंने ऐसे ही दरवाजा खोल दिया तो गुनगुन डर जाएगी। प्लीज उठो वरना सब खत्म हो जाएगा। क्या हुआ है तुम्हें? उठो ना राधा। राधा उठो ना, लाइफ भर का आज ही सो लोगी क्या? सब खत्म होने के बाद ही उठोगी क्या? राधा उठो ना। सब खत्म हो रहा है आज, तुलसी की बात है, उसकी याद है, उससे जुड़ा रिश्ता, आज सब खत्म हो रहा है। आज तुलसी से आखिरी डोर भी टूट जाएगी। कभी सब मेरी मर्जी से हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कुछ पीछे छूट रहा है? हमें पता है क्या छूट रहा है केतकी, तुम्हारे मन से गुनगुन को एक माँ मिलने की उम्मीद छूट रही है ना? तुलसी भाभी के जाने के बाद गुनगुन की जिंदगी में जो एक जगह खाली थी ना, हम सबको यही लगा कि वो दामिनी ही पूरा करेगी। पर राधा के यहाँ आने से हमें ये समझ आया कि गुनगुन की जिंदगी में जो खाली जगह है वो दामिनी के लिए नहीं, राधा के लिए ही बनी है। इनफैक्ट हम सब यही चाहते हैं कि राधा गुनगुन की माँ बने। राधा को देखकर ऐसा लगता है कि गुनगुन के लिए एकदम परफेक्ट माँ है वो। अजीत, राधा गुनगुन के लिए सिर्फ एक अच्छी माँ ही नहीं बल्कि मोहन भैया के लिए एक अच्छी वाइफ और मम्मा पापा के लिए एक अच्छी बहू साबित होगी, और एक भाभी के साथ साथ मुझे बहुत अच्छी फ्रेंड भी मिल जाएगी, और हमें एक अच्छी बहन मिल जाती जो हमारे पास कभी भी नहीं थी। क्या ही कर सकते हैं ना केतकी, मोहन भैया तो खुद दामिनी से ही शादी करना चाहते हैं और वो भी जल्द से जल्द। यहाँ गुनगुन की कस्टडी का जो सवाल है, हमें तो लगता है कि अब मोहन भैया की शादी दामिनी से हो ही जाएगी। आज तक हर छोटी बड़ी चीज में तुमने मेरा साथ दिया है राधा, और आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम मेरे पास नहीं हो। साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना
बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना, जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के नीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो सांझे ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं। अब विवाह की रस्म शुरू करते हैं, आइए बिराजिए। मोहन आ। बैठो। कम से कम अब तो मोहन का पीछा छोड़ दो। कुछ ही देर में वो मेरा पति बनने वाला है, बनने वाले हैं। बने तो नहीं है ना दामिनी चिची। और हम बनने देंगे भी नहीं। तुम अपनी बकवास बंद करो वरना मैं दामिनी हट जाओ। हट जाओ दामिनी, राधा को जाने दो। अपने साइज के हिसाब से धमकी दिया करो। नहीं हटूंगी मैं। क्या कर लोगी तुम? मोहन को बता दूंगी, मोहन को बता दूंगी। मोहन को तो तब बताओगी ना जब तुम मोहन तक पहुंच पाओगी, और मैं तुम्हें मोहन तक जाने ही नहीं दूंगी। दामिनी जी, आपने और बड़ी काकी जी ने हमें जरूर कुछ पिलाया था, इसके वजह से हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। कितना नीचे गिरेंगे आप दोनों। अरे बिटिया, हम तो सिर्फ इतना ही नीचे गिरे कि तुम्हें नींद की दवाइयां ही दी। वरना तुम्हें तो जहर पिला देना चाहिए था। हाँ। शुक्र मनाओ कि तुम उठ गई। अगर मैं चाहती ना तुम्हें परमानेंट नींद में सुला देती। पर अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मेरी और मोहन की शादी कुछ दिनों तक और टल जाती। तो तुम ना शादी का खाना खाओ और निकलो यहां से। शादी का खाना ना आप गरीबों में बंटवा दीजिए कि आपकी शादी तो मोहन जी के साथ नहीं होने देंगे। वैसे सर्दी काफी बढ़ गई है ना? आपको देख के तो यही लगता है जीजा जी कि इंसान सुकून की सांस तब भी ले सकता है जब उसके कंधों से जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए, है ना? वैसे सही भी तो है जीजा जी। अब देखिए ना, हमारी पोती सही सलामत घर पे वापस आ गई और घर में जितने भी झगड़े थे वो भी खत्म हो गए। मोहन के सर पे जो बला थी वो भी तो टल गई, है ना? अब खुश है ना? हाँ, हम सच में बहुत खुश हैं। तो ये खुशी के मौके पर हमें थोड़ा जश्न मनाना चाहिए। नहीं नहीं जीजी, हमने कादंबरी को कसम दी है कि हम नशा छोड़ देंगे। अरे जीजा जी, आप और हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं,
आप इतने पुराने चावल हैं कि एक दो घूंट पीने से कुछ नहीं होने वाला। पी लीजिए ना, वैसे ठंड भी काफी बढ़ गई है, थोड़ा पी लेंगे तो गर्माहट आ जाएगी। अरे नेकी और पूछ पूछ, हम अब भी गिलास लाते हैं, ये लीजिए। लीजिए, अरे पी लीजिए। नहीं, नहीं, नहीं। अरे हमने सारा इंतजाम करके रखा है, देखिए ये हमारा। जी जी, आप वो क्या है ना, कभी कभार हम भी ऐसे एक दो घूट मार ही लेते हैं। क्या है ना जीजा जी, घुटनों के दर्द में ये बहुत सही रहता है। पीजिए 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 ना। Cheers! पर कादंबरी, हम कद्दू को कुछ नहीं बताएंगे। ये बात जीजा और साली के बीच में ही रहेगी। अरे पीजिए पीजिए, जश्न तो बनता है, पीजिए पीजिए। अरे पीजिए बस पीजिए। चीयर्स। बता दो सभी ने, बता दो कि दामिनी इज बैड, कि उससे शादी ना कर। ये एक नंबर की झूठी है। पापा प्रॉमिस ब्रेक कर सकते हैं। हाँ गुनगुन, आज हम मोहन जी को सारा सच बता देंगे। राधा, पापा अगर दामिनी ने सच में उन्हें कुछ, उन्हें सम्मान दीजिए। दामिनी मेरी मम्मा कभी नहीं बन सकती। गुनगुन गुनगुन, अरे गुनगुन रुकिए मोहन जी। हम संभाल लेंगे, आप जाने दीजिए। आप तैयार हो जाइए आपकी शादी के लिए। मोहन क्या हुआ? नहीं माँ, वो काकी जी, आप तो जानती है ना मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते को, उनके नोकझोंक को, तो बस वही हो रहा था। पर आप परेशान मत होइए, हम संभाल लेंगे। मोहन बेटा जाओ, तैयार हो जाओ, मुहूर्त होने वाला है। जमाई जी, आपने मोहन को सहरा बांधने वाले को बुला लिया है ना? वो तो सासू मां, हमने कैंसिल कर दिया उसको। वो एक्चुअली मोहन भैया और दामिनी की शादी हर बार की तरह एंड टाइम पे कैंसिल हो जाती थी, तो जवाई जी आप अभी के अभी उसे फोन कीजिए और उसे बुला लीजिए। उसको तो हम दोबारा नहीं बुला सकते, उसकी बुकिंग ना पहले से करनी पड़ती है, वो बड़ा बिजी आदमी है हमारी तरह। अजीत भैया, सहरा बांधने वाला अगर घर पे ही हो तो बाहर से बुलवाने की क्या जरूरत है? दामिनी, हमें सहरा बांधना नहीं आता। जी आप नहीं, राधा। राधा को तो सहरा बांधना आता ही है।
क्यों राधा, बांधोगी ना मोहन को सहरा? मेरा दूल्हा बनने के लिए? राधा सहरा कैसे? मोहन जी, हमें रास्ता दिखा दिया। तुमने अपनी सूझबूझ से खुद रास्ता ढूंढा है राधा। अरे घबराओ मत, मैं हूँ तुलसी। माना कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन आज नहीं तो कल मोहन और गुनगुन के लिए हमें एक दूसरे से बात करनी होगी। क्या हुआ राधा? गुनगुन यहाँ पर ना को? नहीं नहीं, हम गुनगुन को नहीं बता सकते, वरना वो डर जाएंगी। कोई तो है हमारे आसपास, कोई तो है जो हमें अपने होने का एहसास दिलाना चाहता है, पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो गुनगुन डर जाएंगी। राधा तुम इतनी डरी हुई क्यों? नहीं नहीं, हम डरे हुए नहीं, हम ठीक है। अभी ना हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हम अभी आते हैं। पर राधा तुम कहाँ जा रही हो? गुनगुन हम बाद में आकर आपको सब कुछ बताएंगे, पर जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे मोहन जी और दामिनी जीजी की शादी ना हो पाए। गुनगुन हम यूं गए और यूं आए, पर तब तक आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना दामिनी जीजी चौकन्ना हो जाएंगी। ठीक है? हाँ राधा। चलिए चलिए जल्दी चलिए। से एक बात याद रखना, ये शादी किसी भी सूरत में तुम्हें करनी है। वरना हम हमारी गुनगुन को हमेशा के लिए खो देंगे। माँ ये राधा को क्या हो गया? वो शादी के किसी भी फंक्शन में क्यों नहीं आ रही है? कैसे आएगी राधा तुम्हारी शादी में? मोहन अपने प्यार को पाने की उम्मीद भले ही वो छोड़ चुकी है, पर उसकी शादी होते देखने की हिम्मत नहीं होगी उसमें। आ जाएगी बेटा, घर के किसी काम में उलझी हुई होगी। ये दाना चिड़िया को सीधा पिंजरे तक लेके आएगा। ये घड़ी तो काका जी की है। तुम फिक्र मत करो, चल।
आजा। नो। बिना सहरी के नहीं दादी। देखो पापा, मैं आपकी बात मान के शादी अटेंड कर रही हूँ ना, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? ये लगता है कहीं और छुप गई, चल उधर देखते हैं। माँ बो, मेरा फोन लेके मैं लेकर आता हूँ। मोहन जी प्लीज फोन उठाइए। मोहन जी काका जी की जान खतरे में है। वो यहाँ मंदिर के पास वाला जो कारखाना है ना, वहाँ उनको बचाने आए हैं और गड़बड़ हो गई है। तो गुंडे ना हमारे पीछे पड़ गए मोहन जी, और उसमें ना वही आदमी है जिसने बस में बम लगवाया था। मोहन जी सुन रहे हैं ना, बहुत बड़ी मुसीबत है, बचाने आ जाइए ना। मोहन जी राधा की जान खतरे में। ए, पेड़ों के लिए क्या? तेरी तो काका जी। भागना बंद कर, बाहर आ जा, वरना इस पेड़े को यही चटका दूंगा। एक, तीन तक गिनूंगा, अगर बाहर नहीं आई तो ये बेवड़ा गया। एक, दो, काका जी को कुछ मत करिए, उन्हें छोड़ दीजिए उन्हें। कितनी खूबसूरत लग रही है शादी के जोड़े में हमारी बिटिया। कहीं हमारी नजर न लग जाए। मम्मा, ये जोड़ा पहन के तुमने तो इस जोड़े की रौनक ही बढ़ा दी। बिटिया, जैसे ये जोड़े की रौनक बढ़ी है ना, वैसे ही मोहन के प्यार की रौनक भी धीरे धीरे करके तुम्हारी जिंदगी में पड़ेगी। हमेशा खुश रहो। चल अब चले क्या? मोहन कब से मंडप में आ गया है, चल। मोहन तो मंडप तक पहुंच गया, लेकिन तुम्हारी बेटी मंडप तक नहीं पहुंच पाएगी। आज उसे उसके सारे पापों की सजा मैं देकर रहूंगी। छोड़ दे और ये सारा पागलपन अभी बंद कर दे।
और छटपटा और जीवन को नष्ट होने से बचाने दामिनी जी ने पूरे घर को ही पूरे घर को ही बर्बाद कर देती। ला चिल्ला और जो चिल्ला तुम यही चाहती हो ना कि राधा को चोट ना पहुंचाऊं, उसके साथ कुछ भी ना करूं। पर तुलसी, राधा तो मरेगी। उसे ना मरना ही होगा, जैसे तुम मरी थी। जो मरी हुई बीवियां होती है ना, उन्हें उनके जिंदा पति की दूसरी शादी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यहाँ मंडप में मेरी शादी की अग्नि जलेगी और वहाँ राधा की चिता। भी नहीं छोड़ेगा, और मैं तो एक आत्मा हूं, मैं कैसे छोड़ूंगी। मैं तो तुम्हें मोहन से शादी हो जाने तक यही कंकन दौरा तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेगा। हमारी बिटिया की कुटाई कर रही है। अरे तुलसी जी, आज हमारी बिटिया की शादी है, उसके चेहरे का मेकअप क्यों खराब कर रही हो? थोड़ा कम पिटना उसे। दरवाजा खोलो। कामिनी, हमारी बिटिया को शादी की इतनी खुशी है कि चलते फिरते सामान गिरा रही है। देखो बिटिया, जरा जल्दी करना, दूल्हा इंतजार कर रहा है। उठिए, थोड़ा एंजॉय करते हैं, ऐसे रूखे रूखे काहे बैठे हैं। गलती से पता चल गया कि वो भूतनी मेरी बिटिया की धुलाई कर रही है तो गड़बड़ हो जाएगी। बिटिया, बिटिया, बिटिया। हावेरी मासी है? आप आज कुछ ज्यादा ही रंगीन नहीं लग रही।
वैसे तो हे प्रभु निर्दोष विधवा की पुकार सुन ले बोलते रहते हो। आप आज कोई भी एंगल से विधवा नहीं लग रहे हो। हे प्रभु कैसी बातें कर रहे किसकी तू? अरे भला हमारी एक लौती बिटिया की शादी है तो सजने धजने का मौका मिला है तो हम नहीं सजेंगे क्या? हा? अरे हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला तो थोड़ा बहुत टॉप टिप कर लिया। एनीवे मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि पंडित जी नीचे बुला रहे दामिनी को। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है प्लीज जल्दी नीचे आइए। हाँ हाँ बिटिया तुम्हारी ननद तुम्हें बुलाने आई है। खोलो दरवाजा। हो प्लीज मुझे सब फालतू के रिश्तों में फिट मत करिए। मैं सिर्फ आपको बुलाने आई हूँ क्योंकि पंडित जी नीचे बुला रहे हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है जल्दी उसे नीचे बुलाइए। आते हैं यही मौका है राधा को बचाने का। एक बार केत के अंदर आ जाए। केत की प्लीज अंदर आ जाओ। केत की रुक जाओ। ये कैसी आवाज थी? केतकी प्लीज अंदर आ जाओ। और दामिनी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? क्या चल रहा है वहां? इसलिए ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। आज के बाद मिसेस दामिनी मोहन त्रिवेदी के रास्ते में आने की हिम्मत भी मत करना तुम। हे बाकी बिहारी जी कुछ कीजिए राधा की रक्षा कीजिए। चलो अब बहुत कर ली लड़ाई वड़ाई अब मूड खराब नहीं करते। नहीं दुल्हन जो हूँ मैं। चलो मम्मा। नहीं वैसे तुलसी अगर तुम्हारा मूड बने तो मोहन और मेरी शादी देखने आ जाना। और मूड ना हो तो तड़पती रहूं यहां। मैं क्या कर रही हूं? हम तो देख रहे थे कि सच में तू जिंदा है या फिर वो भूतनी ने तुम्हें मार के भूत बना दिया। अरे तू इस बार पूरी की पूरी बच कैसे गई? मम्मा हाँ इस बार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो तुलसी सिंगल पीस में नहीं है। मंगलायतनो हरि। अब जब वर वधु मंडप में आ गए हैं तो विवाह की विधि प्रारंभ करते हैं। जी तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम दैव बलम तदैव लक्ष्मीपति तिग्री युगम स्मरामि। नहीं ये शादी नहीं हो सकती। इस चालाक दामिनी ने ये सुरक्षा कवच इस मंडप के चारों ओर भी बांधा है इसलिए मैं यहाँ भी अंदर नहीं जा सकती। रुक जाओ मौत ये शादी मत करो। अब वधू की माता जी आ गए हैं कन्या का हाथ वर के हाथ में दे। बिटिया मोहन मोहन उफ़ ओ मोहन इतना ड्रामा।
मोहन। बेटा हाथ। गुनगुन पापा प्लीज दामिनी से शादी मत करो, राधा वहां डेंजर में। उसे हमारी हेल्प चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो गुनगुन, क्या हुआ है राधा को? आप भी दामिनी की तरह बैड हो गुनगुन। तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। इस तरह से बात करते हैं बड़ों से? बड़ों से बात करने की तमीज भी खो दी है तुमने। पर दादी, माँ आप प्लीज एक बार उसकी बात सुन लीजिए, वो गलत नहीं कह रही है। हमें पता है राधा कहाँ गई है, हम ही ने भेजा है उसे, हमारी बात हुई है उससे, वो ठीक है। राधा तो इतनी बड़ी मुसीबत में है, फिर माँ झूठ क्यों बोल रही है? निकालो ना, सुन रहे हो? निकालो ना हमें। हे मांगे बिहारी जी, ये शादी नहीं होनी चाहिए, मोहन जी और दामिनी जी की शादी नहीं होनी चाहिए, वरना नर्क हो जाएगा। बाकी बिहारी जी हम समझ रहे हैं ना। और ये जो तुम कर रही हो ना अपने पापा की शादी रोकने के लिए, इससे कुछ नहीं होगा, ये शादी नहीं रुकेगी। और सासू माँ राधा का फोन ही नहीं लग रहा है। हमने कहा ना आप लोगों से कि राधा ठीक है, हमारी बात हुई है उससे। मेरे समझ में नहीं आता घर के ये सारे लोग ये शादी रुकवाने पर क्यों तुले हुए हैं। हमारे बेटे और हमारी पोती की खुशियों के लिए ये शादी होनी जरूरी है। और घर के बड़े होने के नाते हम ये शादी रुकने नहीं देंगे। जमाई जी, गुनगुन को अपने कमरे में ले जाइए। दादी प्लीज मेरी बात सुनो, पापा की शादी दामिनी से मत करो प्लीज। दादी प्लीज गुनगुन को अपने कमरे में ले जाइए। क्यों नहीं रही हो दादी? पापा, पापा प्लीज दामिनी से शादी मत करो दादी। मोहन, एक बार अपनी बेटी की बात सुन लो, वो गलत नहीं कह रही, राधा सच में खतरे में है। मोहन, माँ पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। बाकी बिहारी जी आप तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हो, योगेश्वर भी आप ही हो और जगदीश्वर भी आप ही हो, ये सारा ब्रह्मांड आप ही के अंदर तो समाया है, सुख दुख सत्य असत्य जीवन मृत्यु ये सब आप ही का तो खेल है ना, तो फिर ये रक्षा कवच आपके सामने कौन सी बड़ी चीज है? आज आपकी परम भक्त राधा के प्राण संकट में है। श्री कृष्ण शरण भव, श्री कृष्ण शरण भव। और उसे बचाने के लिए आपकी दूसरी भक्त तुलसी को आपकी मदद की जरूरत है। अगर मैंने अपने जीवन में और मृत्यु के बाद सच्चे दिल से आपको थोड़ा भी पूजा है ना, तो आप ये रक्षा कवच तोड़ देंगे।
बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण मम। कुछ नहीं होने दूंगी। आज तुम्हारा मोहन ना सही, लेकिन तुम्हारी मोहन की तुलसी आई है। मैं तुम्हें बचाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। घबराओ मत, मैं तुलसी। काका जी, पापा, अबे ये इतना देर से भगवान को याद कर रही थी, कहीं सच में नहीं भगवान आ गए? भगवान नहीं, अरे भूत है, भूत। अबे भूत, अबे देख क्या रहा है, भाग यहां से। काका जी अब ठीक तो है ना? दादा बेटा तू ये सब क्या है? काका जी, हम यहाँ कैसे? काका जी, ये सब दामिनी जी ने किया है।
पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपको घर ले जाने ही आए। काका जी चलिए, काका जी, काका जी, इनकी तो हालत ही नहीं कि घर जाए। अब जल्द से जल्द इनको घर ले जाना होगा, कैसे भी करके। कहा था कि दामिनी ने अगर झूठा प्रॉमिस लिया हो तो आप उससे शादी नहीं करोगे। मैंने दामिनी से प्रॉमिस किया है ना। अगर किसी ने प्रॉमिस चीटिंग करके लिया तो? चीटिंग करना तो बहुत गलत है ना, उसके लिए टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। आपके साथ अपोजिट टीम ने चीटिंग की है, उसे टूर्नामेंट से बाहर निकाल दो। मुझे दामिनी के बारे में सब सच पता चल गया है। इससे मेरे बेटे की शादी करवा के मैं मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। ये शादी मत करो मोहन, दामिनी इस घर के लिए ठीक नहीं है। लगता है शराब अंदर जाते ही इसके अंदर का पिता परमेश्वर जाग गया। अगर इस बुड्ढे को जरा सा भी अंदाजा आ गया कि हमने जो इसे दारू पार्टी दी थी वो इसका किडनैपिंग करवाने के लिए थी, तो बिटिया इस घर से हमारा बोरिया बिस्तरा बांधने का वक्त आ गया है। इसके पहले कि थोड़ी देर में हमें लात गुस्से पड़े, चल यहाँ से निकलते हैं। नहीं 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 मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि राधा कैसे बच गई, किसने मदद की इसकी। दामिनी, में तुम चाहे कितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने कर लो, लेकिन सच्चे प्यार से ज्यादा शक्ति किसी और में नहीं होती। इससे पहले कि धुलाई होना शुरू हो जाए हम लोग कैसे भाग लेते हैं। नहीं मम्मा, आज तो मेरी शादी मोहन से होकर ही रहेगी। मेरा आखिरी पत्ता अभी भी बाकी है। ये शादी मत करो मोहन, दामिनी इस घर के लिए ठीक नहीं है। काका जी, सबको पूरी बात बताइए। त्रिवेदी जी, बस बहुत हो गया, अब शांत हो जाइए। पर काकी जी, एक मिनट, ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है। बीच में पड़ने की हिम्मत भी मत करना। छोड़ दो इन्हें। त्रिवेदी जी, एक बात बताइए, आप तो हमेशा से जानते थे ना कि मोहन और दामिनी की शादी होने वाली है। इसके पहले तो आपने कभी कुछ नहीं कहा, फिर अचानक ये विरोध क्यों? लगता है आज आपको थोड़ी ज्यादा हो गई है, इसीलिए आपको पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए अपने कमरे में चलकर आराम कीजिए। आइए। छोड़ो मुझे। सही कह रही हो तुम, थोड़ी ज्यादा हो गई है।
शराब बहुत हो गई। तो शराब छोड़ दीजिए ना आपने। हमने खुद शौक से नहीं पिए, हमें पिलाई गई है। पी लो, अब भांडा फूट गया। किसने पिलाई? कहीं आज ये बुढ़ा मेरी सारी जिंदगी की मेहनत ना बर्बाद कर दे। जश्न तो बनता है, पीछे पीछे। बताइए काका जी। बताइए ना, किसने पिलाई आपको? कादम्बरी ने पिलाई है हमें। वो माँ के बारे में कुछ भी बोले जा रही है। काका जी को बोलने देंगी आप दामिनी जीजी? काका जी आप शांत होकर एक बार ध्यान से सोचे ना, क्या हुआ है आज आपके साथ? उसे याद करने की कोशिश कीजिए ना, क्या हुआ है आपके साथ आज? तुम पागल हो क्या राधा? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? मार पापा के बीच में झगड़ा लगा के तुम पाना क्या चाहती हो? दामिनी जीजी, आज आपके बातों को घुमाने वाला खेलना काम नहीं आएगा। आज सच सच के सामने आकर ही रहेगा।